नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका शुगर लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर में हमें तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद हमें शेयर में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट भी हमें 1% के आसपास नीचे जाती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन उसी के विपरीत हमें शुगर शेयर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और अगर शुगर कंपनीज में अगर श्रीलंका शुगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन हमें इस शेयर में भी तेजी देखने को मिली है, जो कि 0.83% तक हमें देखने को मिली थी। दोस्तों, कंपनी की बात करें, इस कंपनी से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसके बाद हमें इस शेयर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। क्या है वो न्यूज़, सीधा आपको लेकर चलता है इसकी न्यूज़ में, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि शुगर शेयर इन फोकस, जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ शेयर्स के नाम बताया गया है कि आने वाले समय में ये कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। उनमें हमें श्रीलंका शुगर भी देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ कई ऐसी शुगर कंपनीज है जिसके नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास कोई शेयर है तो उसे होल्ड करके रखिए। अगर श्रीलंका शुगर की बात करें, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है अकॉर्डिंग टू क्रिसिल, जिसमें साफ साफ बताया गया कि आने वाले समय में कि शुगर एक्सपोर्ट को कम करना और उसी के साथ डिक्लाइन इन इथेनॉल प्रोडक्शन में हमें कमी के कारण आने वाले समय में इनके क्वार्टर रिजल्ट में इनका EBITDA मार्जिन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसके बाद आज के दिन हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि आने वाले समय में इनका जो रेवेन्यू है वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से भाई शुक्र की हमें किल्लत देखने को मिल रही है वर्ल्ड वाइड रही है, तो आने वाले समय में इनके प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। और उसी के कारण अगर प्राइस ऊपर जाएंगे तो कंपनी एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कमा के बताएगी, तो जिसके कारण आज के दिन हमें शुगर शेयर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। हर कोई शेयर को बाय करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों, जिस हिसाब से इथेनॉल की प्रोडक्शन हमें इंडिया में देखने को मिली है और वाई शुगर पे नए नए रूल्स आते हुए देखने को मिल रहा है, शुगर एक्सपोर्ट को बैन किया जा रहा है, और वर्ल्ड वाइड भी अगर वाई शुगर की प्रोडक्शन की बात करें वो हमें काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई देखने को मिली है, यानी कि प्रोडक्शन कम होती हुई देखने को मिली है और इनकी डिमांड हमें ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली है, यानी कि आने वाले समय में वाई शुगर के प्राइस हमें और बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि सीधा सीधा आपको इस शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है। तो अगर आपके पास ये शेयर है, मैं आपको ये बोलूंगा होल्ड करके रखिए। जिस हिसाब से शेयर से जुड़ी हुई हमें न्यूज देखने को मिलती रहती है, ये शेयर आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो अगर आपके पास ये शेयर है, होल्ड करके रखिए, ताकि आने वाले समय में आप इस शेयर से अच्छा खासा सेफ रिटर्न ले पाए। शो आशा करता दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।